परिश्रम का मूल्य शैक्षिक कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक जन्मेजय नाम के राजा थे। वह प्रतिमा अपने राज्य में भेष बदलकर यह देखने के लिए भ्रमण किया करते थे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। विकास की जो योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित करवाई हैं, उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं, और उसका लाभ राज्य की जनता को पूर्णतः मिल रहा है या नहीं। एक दिन राजा जन्मेजय भ्रमण के दौरान एक गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने अपना वेश भी बदल रखा था जिससे कोई भी उन्हें पहचान न सके। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर कुछ लड़के बालक खेल रहे थे और किशोर बालक उनमें शासक बना हुआ था और अन्य लड़के सभासद बन उनके सामने बैठे थे। शासक का अभिनय करने वाले बालक का नाम कुलेश था। वह खड़ा होकर सभी सभासदों को व्याख्यान दे रहा था। सभासदों, जिस राज्य के कर्मचारी गण वैभव विलास में डूबे रहते हैं, उसका राजा कितना ही नेक और प्रजापालक या प्रजावत्सल क्यों ना हो, उस राज्य की प्रजा कभी सुखी नहीं रहती है। मैं चाहता हूँ जो भूल हमारे राज्य के राजा जन्मेजय के राज्याधिकारी कर रहे हैं वह आप लोग न करें, ताकि मेरी प्रजा असंतुष्ट न हो। आप सबको वैभव विलास का जीवन छोड़कर त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकता वह अभी शासन सेवा से अलग हो जाए। उस किशोर वय युवक के मुख से इतना गंभीर चिंतन सुनकर राजा जन्मेजय उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने साथ राजधानी ले आए। राजा ने कुलेश को अपने मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान किया। वैसे तो कुलेश किशोर था, लेकिन बुद्धि से कुशाग्र और प्रखर था। वह कुशलता पूर्वक राज्य कार्यों में राजा का सहयोग करने लगा। धीरे धीरे कुलेश की उम्र भी बढ़ी और साथ ही राजा का उस पर विश्वास भी बढ़ा। एक दिन राजा ने उसे महामंत्री का पद प्रदान कर दिया। उसने अपने महामंत्रित्व काल में अन्य मंत्रियों, सामंतों और राज्य के कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता बनाई, जिसके अनुसार प्रत्येक पदाधिकारी को दिन के 10 घंटे अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ता था। राज्य के पदाधिकारियों की अतिरिक्त आय की स्रोतों को बंद कर दिया गया। इससे बचा हुआ बहुत सा धन राज्य की प्रजा की भलाई के काम आने लगा। सारी प्रजा में खुशहाली छा गई और राजा जन्मेजय भी कुलेश के इस आदर्श प्रबंधन से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन सभा मंडल के अन्य सभासद, जिनकी आय व विलासिता पूर्ण जीवन पर रोक लगी थी, वे उससे जलने लगे और उसे अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन उन सभासदों को कहीं से सूचना मिली कि महामंत्री कुलेश के आवास में एक ऐसा भी कक्ष है जहां वह किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं देते और जब दिन भर के काम से लौटते हैं तो स्वयं ही कुछ देर उस कक्ष को बंद कर समय व्यतीत करते हैं। कुटिल सभासदों ने इस सूचना को राजा को इस तरह बताया कि जिससे प्रतीत हो कि महामंत्री कुलेश ने बहुत सी अवैध संपत्ति एकत्र कर रखी है और वह उस कक्ष में बंद है। सभासदों के बार बार आग्रह करने पर महाराज जन्मेजय भी उनकी बातों में आ गए और एक दिन जांच का निश्चय कर कुछ सैनिकों एवं सभासदों के साथ कुलेश के निवास पर पहुंचे। उन्होंने कुलेश से वह कक्ष खोलने को कहा। कक्ष खोलने के बाद सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसमें मात्र एक कुदाली, लाठी एवं कुछ पुराने वस्त्र एक बिस्तर पर रखे दिखाई पड़े। महाराज जन्मेजय ने कुलेश से उसके बारे में पूछा। कुलेश,
ये सब क्या है? तुम इन्हें कक्ष में बंद करके क्यों रखते हो? कुलेश ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप मुझे गांव से उठाकर राजधानी लाए थे, तब मेरे पास संपत्ति के रूप में यही 3 वस्तुएं थी। मैं इन्हें सदा इसलिए साथ रखता हूँ जिससे मंत्री पद का घमंड कभी मुझे यह भूलने न दे कि मेरी असली पहचान क्या थी। परिश्रम की कीमत संसार के किसी भी पद से ज्यादा है। यह कहकर कुलेश ने वे 3 वस्तुएं उठाई और वापस अपने गांव को लौट गया। महाराज जन्मेजय के पास अब पश्चाताप के सिवाय और कोई मार्ग नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम एक अनमोल धन है जिसके सामने सभी धन व्यर्थ हैं।